हाय फ्रेंड्स वेलकम बैक टू जयका विद जैनब आज मैं आपके साथ सिंपल मटन करी की रेसिपी लेके आई हूँ जिसे बनाना बहुत ही सिंपल है और इसमें हम कोई एक्स्ट्रा मसाले नहीं पीसेंगे कोई एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करेंगे और बेसिकली ये वन पॉट डिश है बहुत आसानी से बन जाएंगी तो अगर आपको ऐसी इसी तरह का स्वादिष्ट मटन घर पर आसानी से बनाना है तो इस रेसिपी को आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी एक पैन ले लिया है मैंने इसमें मैं तीन चम्मच ऑयल डाल रही हूँ जैसे ही ऑयल थोड़ा गर्म हो जाए इसमें हम मसाले डालेंगे खड़े तो यहाँ पे मैंने लवंग ली है काला मेरी ली है छोटी इलायची बड़ी इलायची सिनेमन स्टिक का मैंने टुकड़ा भी ले लिया है और बेलीफ ये जो खड़े मसाले हैं इसे हमें फ्राई करना है तकरीबन एक दो मिनट तक आप मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लें ताकि थोड़ी सी भीनी भीनी खुशबू रिलीज होना स्टार्ट हो जाए मसालों से आप देख सकते हैं इलायची थोड़ी सी फूल की भी तैयार हो गई है अब इसमें हम डालेंगे तीन मीडियम साइज़ के प्याज़ अब मेरी प्याजें मीडियम थी इतना बड़ी साइज़ नहीं थी अगर आपके पास बड़ी साइज़ है तो आप दो ले लें और अगर बहुत छोटी साइज़ है तो चार ले लें और इस प्याज को हमें अच्छी तरह से भूनना है ताकि जो प्याज का कलर है वो गोल्डन ब्राउन हो जाए फिर इसमें डालेंगे दो चम्मच अदरक लहसन का पेस्ट अगर आपके पास अदरक का पेस्ट और लहसन का पेस्ट अलग अलग है तो दोनों एक एक चम्मच डाल दें इसे भूनेंगे हम एक मिनट तक ताकि जो कच्चापन होता है अदरक लहसन का वो ख़त्म हो जाए और फिर इसमें हम वॉश किया हुआ मटन डाल देंगे तो इसका जो क्वांटिटी है वो तकरीबन 600 ग्राम मटन है ये और इसे अब अच्छी तरह से हमें भूनना है फुल फुल हाई फ्लेम करके ताकि जो मटन है वो प्याज और अदरक लहसुन और जो मसाले हमने डाले उसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए हल्का सा मटन कलर चेंज कर देंगे आप देखेंगे दो तीन मिनट बाद तो उसके बाद हम मसाले डालेंगे तो वन टी ज़ीरा दो चम्मच धनिया पाउडर एक चम्मच हल्दी और एक चम्मच में पेपरिका पाउडर जिसे कश्मीरी लाल मिर्च कहते हैं वो मैं डाल रही हूँ तो ये ज़्यादा तीखी नहीं होती है लेकिन इससे जो ग्रेवी का कलर है वो बहुत अच्छा आता है तो अगर आपके पास हो तो ज़रूर से आप पेपरिका पाउडर यूज़ करें अच्छी तरह से सारे मसालों को हमें गोश के साथ मिक्स कर देना है ताकि जो मसालों का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए यहाँ पे आप देख सकते हैं अच्छी तरह से जो मसाले हैं वो मिल रहे हैं फ्लेम हमारा मीडियम पे रखेंगे हम अब इसके अंदर थोड़े मसाले और डालेंगे जैसे कि वन टीस्पून मैं डाल रही हूँ शान का मीट मसाला अगर आपके पास है तो डाल दें वन टीस्पून गरम मसाला और वन टीस्पून नमक नमक आप अपने स्वाद के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं लेकिन एक चम्मच काफ़ी है अब इन सारे मसालों को हमें अच्छी तरह से भूनना है गोश्त के साथ तकरीबन आप ऐसे समझिए दस मिनट तक आपको मीडियम फ्लेम पर इसे भूनते रहना है ताकि जो मसाले हैं उनका कच्चापन दूर हो जाए और जो मसाले हैं वो अच्छी तरह से हमारे गोश के साथ जो मटन हमने लिया है उसके साथ अच्छी तरह से ये मिक्स हो जाए अब 10 मिनट के बाद हमें थोड़ा सा इसके अंदर दही डालना है तो मैं यहाँ पे तीन चम्मच मैंने दही लिया है इसे अच्छी तरह से फेंक लिया है और इसे डाल दें इसके अंदर अब इससे क्या होगा कि जो हमारी ग्रेवी है उसकी कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी मिलेगी हमें और एक टैंगी सा फ्लेवर भी आ जाएगा जो बहुत ज़रूरी होता है और आप देख सकते हैं मैं मटन को इतना भून रही हूँ कि जो प्याज थी हमारी वो काफ़ी हद तक गल चुकी है बहुत कम दिख दिखाई दे रही है हमें इतना भूनना है इसे कि जो प्याज है वो कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाए पूरी गायब हो जाए तो यहाँ पे देखिए अब थोड़ा ग्रेवी के ऊपर हल्का हल्का सा रेड कलर भी आना स्टार्ट हो गया है और थोड़ी सी ऐसा दिख रहा है कि ग्रेवी भूनना स्टार्ट हो गई है तो वो टाइम पे अब हम डालेंगे दो मैंने यहाँ पे मीडियम प्याज टमाटर लिए हैं टमाटर को नॉर्मल चॉप कर ले हम और इसे डाल देना है इसे भी अब हमारे जो गोश और मसाले हैं उसके साथ अच्छी तरह से भूनना है अब टमाटरों को जब तक आपको भूनना पड़ेगा जब तक कि जो टमाटर है वो पूरी तरह से गल ना जाए और सेकेंडली इसमें हल्की हल्की तरी आना स्टार्ट ना हो जाए हमने आपने देखा होगा कि ज़्यादा तेल यूज़ नहीं किया है सिर्फ तीन चम्मच तेल यूज़ किया है लेकिन गोश भी थोड़ा तेल रिलीज़ करेगा और जो मसाले हमने डाले हैं उसको भूनेंगे आप तो जितना आप भूनेंगे उतना तेल रिलीज़ होगा जितना अच्छी तरह से आ, सालन भुना जाएगा उतना ही अच्छी तरह से जो ग्रेवी है वो बनके तैयार होगी हल्का हल्का देखिए आप रेड कलर आया था तो मैंने इसके अंदर अब एंड में मैंने दो कप पानी डाला है अभी इसको हमें कुकर की सीटी लेनी है तो मैं कुकर में ट्रांसफ़र कर रही हूँ आप चाहे तो इसे स्टार्टिंग से कुकर में ही बना लें क्योंकि मुझे शूट करना है आपको दिखाना है क्लियरली इसके लिए मैंने कढ़ाई ली थी अभी कुकर के अंदर हमें चार से पाँच इसकी सीटी ले लेनी है या जब तक आप इसकी सीटी ले लें तब तक आपको लगे कि गोश्त बराबर से ना गल गया आपका क्योंकि डिपेंड करता है कोई कोई मटन जल्दी गल जाता है कोई मटन को टाइम लगता है यहाँ पर देखिए काफ़ी अच्छी ग्रेवी आ गई है काफ़ी अच्छी कंसिस्टेंसी हो गई है हमारे जो गोश्त की जो मटन की इसके ऊपर अब हल्का सा हमें धनिया पत्ती डालनी है फ्लेम हमारी हम लो ही रखेंगे अभी थोड़े से मैंने यहाँ पे अदरक जूवियन कट किए हैं वो भी डाल दिया है और ऊपर से मैं दो तीन हरी मिर्चें डाल रही हूँ जो ज़्यादा तीखी नहीं है इससे दिखने में भी अच्छा लगता है और ऊपर से डालने के बाद उसका स्वाद बहुत अच्छा आता है तो ये देखिए हमारा आसान सा मटन बन के तैयार है चलिए इसे हम डिश आउट कर लेते हैं तो जब तक मैं इसे सर्व कर रही हूँ फ्रेंड्स अगर मेरा वीडियो अभी तक आपने देखा है आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक का बटन प्रेस कर दे और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें तो ये देखिए हमारा शानदार सा बहुत ही सिंपल वे में मैंने आपको मटन बनाना बताया है इसे आप ज़रूर बनाइए ये बहुत स्वादिष्ट बना था आप देख सकते हैं इसके ऊपर कितनी प्यारी तरी आई है और कितना अच्छा इसका कलर लग रहा है और ये बहुत अच्छी तरह से गल गया था इसे बनाना बहुत आसान है बहुत आराम से हमने बहुत बेसिक मसाले यूज़ किए हैं तो आप भी इसे ज़रूर बनाएं ये देखिए कितनी अच्छी तरह से जो पीसेस है वो गल गया है तो चलिए मिलते हैं न्यू वीडियो में चिल दैन ईट हेल्दी एंड होम मेड फूड थैंक यू